नगर पंचायत घुगली महाराजगंज के पार्षद व पार्षद प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया और अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा तथा नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में नगर पंचायत घुगली वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रतिनिधि अनिल जायसवाल ने बताया कि नगर पंचायत घुगली में जर्जर विवाह भवन को बनाने के नाम पर 1,40,00,000 की राशि तथा नगर पंचायत भवन में पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत पुराना इंटरलॉकिंग ईंट लगाकर और नाली के ऊपर 2 रद्दा जोड़कर करोड़ों रुपए का गबन और नगर पंचायत घुगली में लगाए गए सेवा प्रदाता सफाई कर्मचारियों से 500 रुपए जबरन वसूला गया और नगर पंचायत घुगली में 3,00,000 का आरओ प्लांट लगाकर 15,00,000 रुपए का फर्जी भुगतान किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दवा के छिड़काव के नाम पर फर्जी भुगतान किया गया तथा नगर पंचायत घुगली के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के द्वारा फर्जी ODF घोषित करने के नाम पर 1,00,000 रुपए की राशि का गमन किया गया है। धरना दे रहे लोगों ने मंडलायुक्त से मांग की कि सभी मामलों का निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। वहीं गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार ने आरोपों को निराधार बताते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है, जबकि गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए घुगली नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा ने भी आरोपों को खारिज करते हुए मामले की जांच करने की मांग की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए धरना दे रहे पार्षद प्रतिनिधि अनिल जायसवाल व दूरभाष पर बात करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार व अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा ने कहा, ज्यादा लगा ना घुगली पंचायत का दूल्हा भवन पूरा बन जाए। हमारे यहाँ सर जो विवाह भवन बना है, क्या वो मैं सरकार शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या जब वो गिर जाएगा तब उसकी जांच होगी? हम लोग बाकायदे नोटिस शपथ पत्र पे इसका 3-3 बार सारे अधिकारियों को उसकी सूचना दे चुके हैं। हमारे यहाँ नगर में पैसे के बल पे हमारे यहाँ नगर पंचायत के शासी अधिकारी विगत 5 साल से एक ही पद पे एक ही नगर पंचायत में कार्यरत है, जो उनकी शासन सरकार का शासन आदेश है कि 3 साल से बेसी का अधिकारी वहाँ नहीं रह सकता है। ये देखिए नगर पंचायत घुगली का कार्यालय है हुआ है इस आरोप प्लांट जी इसका। ये देखिए 1,50,00,000 रुपए का विवाह भवन काल भी किया जा रहा है, अनहोती रह रहा है, इसकी दीवारें देखिए फाट गई हैं। ये विवाह जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इसका पिलर एवं दीवार ये देखिए जी इस वीडियो में आपको साफ दिखा देखिए हाथ से छूने पर इसका प्लास्टर जो है झड़ जा रहा है। आइए मैं आपको बाहर से इसका दृश्य दिखाता हूँ। ये इसकी बाहरी दीवारें हैं देखिए। जय हिंद जय भारत। अनिल कुमार जायसवाल, सभासद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 9 नगर पंचायत घुगली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए करोड़ों रुपया सरकारी धन का हमारे नगर अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार और लूट किया गया है। हमारे यहाँ 1,50,000,000 रुपया का जर्जर विवाह भवन बनाया गया है, जिसकी जांच माननीय जिलाधिकारी द्वारा हम लोग को विगत 6 महीने से दौड़ाने के बाद आज तक नहीं किया गया। इस दौरान हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया, 27 घंटे का घुगली नगर पंचायत में भूख हड़ताल किया, फिर केवल आश्वासन मिलता रहा लेकिन जांच नहीं हुआ। सर क्या वो विवाह भवन जब गिर जाएगा तब उसकी जांच होगी?
ऐसे सर बहुत करोड़ों रुपए का मुद्दा गुगली नगर पंचायत में है, लेकिन हम लोग माननीय मंडलायुक्त और माननीय जिलाधिकारी माननीय प्रमुख सचिव सबको पत्र लिख के थक गए हैं और आज तक सर जांच नहीं हो रहा है उस विवाह भवन का। क्या मांग कर रहे हैं आप? सर उस जांच हो जाए यही मांग है हम लोग की। गुगली में आज जो सजा है, जो भी लोग उसमें अपराधी हैं उनको तत्काल सजा दिया जाए। इसके बाद सर 18 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भूख हड़ताल पर जा करेंगे, उनको संज्ञान देंगे। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग इसमें से सर 5 को भाजपा के सभासद हैं। मतलब जो यारों का मतलब वो लगा है कि 3 लाख का फनल लाभ भुगतान किया गया है, तो उसको जो हमारे कार्यकाल में नहीं किया गया है, जब ईओ चेयरमैन हो गए थे और बाबू जो है ईओ हो गया था, उन लोगों द्वारा भुगतान किया गया 15 लाख रुपए का। विवाह घर जो है, जो हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया, हमने भुगतान नहीं किया। तो जब हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया, जब ईओ चेयरमैन बन गए और बाबू जो ईओ बन गया, उस समय जो है 7 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। अगर विवाह घर चूरा आच और जर्जर है, उसमें जो है कि अनपढ़ चेयरमैन है, उसमें ईओ दोषी है, यही है कि हम तो ठेका अधिकारी है ना, कि कितना गिट्टी आ बालू अच्छा सीमेंट अच्छा क्या लगेगा, वो तो यही और ईओ को देखना है। तो कहने मतलब उसका निपट जांच हो जाए, जो दोषी हो उसको सजा मिले, बस यही है। आपका ये कहना है कि आप चेयरमैन के प्रतिनिधि आप हैं? हाँ पत्नी है। आपकी पत्नी चेयरमैन है? जी। तो आपकी पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला देवी, उर्मिला। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। इसमें हाथों को आप भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए? हाँ जांच हो जाए। वह जो है कहने मतलब यह है कि जब हम नहीं थे, कार्यकाल समाप्त हो गया, 6 महीने चुनाव टल गया था, उस समय शासन जो है ईओ को बना दिया था चेयरमैन, और जो बाबू था ईओ हो गए, उसी समय सब 3 करोड़ का भुगतान कर दीजिए। सब हम नहीं भुगतान किए, हम तो रोके हुए थे अपने कार्यकाल में कि गलत हुआ है, विवाह घर छू रहा है, अच्छा यारो फलान 3 लाख का 15 लाख फिलहाल भुगतान करा, मैंने नहीं किया। जो हम हटे और कार्यकाल जो चुनाव का बढ़ गया, उसी में लोग कर दिए, हम भी चाहे जांच इसका हो जाए। इसमें जो आरोप लगा है, इसमें यही कहा गया है कि अध्यक्ष महोदया वो अधिशासी अधिवक्ता के द्वारा कराए गए, तो इसमें आपका कहने मतलब यह है, इन लोगों को पता नहीं आरोप प्लांट का। आरोप प्लांट जब लोग सभासद नहीं थे, उस समय हम चेयरमैन थे, हम खुद चेयरमैन थे अगले कार्यकाल में, उसी समय का लगा हुआ विवाह घर उसी समय का बना हुआ है, लेकिन हमने भुगतान नहीं किया इसका। जब कार्यकाल चुनाव टल गया 6 महीने के लिए, उसमें ईओ हो गया चेयरमैन और बाबू हो गया ईओ, ये दोनों मिल करके 7 लाख रुपए का जो है कि भुगतान किए विवाह घर का, और 15 लाख भुगतान किए जो है यारो प्लांट का। अब एक लेमैन की तरह जहां तक हमने समझा है, उसमें यही कहना है कि इसके पहले आप चेयरमैन थे, ठीक है, और उसके बाद आपकी पत्नी चेयरमैन हुई, और उसके बीच में जो गैप था 6 महीने का, उसी भुगतान हुआ, उसी में भुगतान हुआ। आपके तरफ से आप भी चाहते हैं कि हमारे तरफ से भुगतान नहीं हुआ है, आप भी चाहते हैं जांच हो जाए, जो दोषी हो उसको सजा मिले, हमारे कहने मतलब यही है। उसमें ईओ है, एसियन है, वो सब जानते, ठेका अधिकारी वही ना है। अब अनपढ़ महिला क्या जान रही है कितना गिट्टी कितना बालू कितना छड़ लगेगा, कि मार तो लो भैया है कि हम देख रेख कर सकते हैं कि मतलब कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना ही दोषी हम है। नहीं प्राइम फसाई, आपको क्या लगता है कि जो आरोप लगा है जर्जर कहा गया है, क्या वो सही है? हाँ सही तो है, सही है। आरोप सही लग रहा है हमको, इसलिए मतलब उतना बढ़िया काम नहीं हुआ है, अभी तो मेरा भुगतान नहीं किया गया 7 लाख रुपए का। अब इस पे आपका आप खुद भी क्यों नहीं लिख करके दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी महोदय को कि साहब इसका निष्पक्ष जांच कर दिया जाए? इसका हम जांच करा चुके। हेलो जी, जब हम चेयरमैन हुए फिर चुनाव जीते, हमारी पत्नी जीती, तो एआरओ प्लांट का विवाह घर का सारा जांच हम करा चुके हैं, और यू जो अधिकारियों से मिलकर अपने पक्ष में रिपोर्ट लगा लिया है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। शुरू मैंने जांच जब चुनाव की तो तभी जांच करा लिया, प्लांट का डीजल का था, विवाह घर का था, सब हम जांच करा लिए हैं, लेकिन यू जो है अधिकारियों से मिल करके अपने पक्ष में रिपोर्ट लगा लिया है। इसका ये मतलब है कि आप आरोप सीधे ईओ के ऊपर है? हाँ भाई, भुगतान वो किया है, आरोप भुगतान वो किया है, विवाह घर का भुगतान वो किया है। और नाम क्या है ईओ का? लोक कुमार मिश्र। ये तो पिछले 5 साल से है यहाँ पे सर, 7 साल से जमे हुए हैं, पता नहीं हट ही नहीं पा रहा है। ठीक,
बोझ हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कई जो भी कार्य हुए हैं वो बोर्ड द्वारा सूचित हैं, बोर्ड द्वारा प्रस्तावित हैं, निविदा के माध्यम से कार्य हुए हैं, उसकी जांच हुई है, जिलाधिकारी महोदय की अनुमति मिली है, इसके बाद भुगतान किया गया है और भुगतान हमारे और माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किए गए हैं। पूर्व के अध्यक्ष तो सतत चल रहा है ना, इसे जो एक समय जो रहे हैं अध्यक्ष जी उस समय किए हैं, जो काम आगे चल रहे हैं वो उसके बाद आने वाले किए हैं, और बीच में जो कुछ कार्यकाल रहे हैं जो जिसमें अध्यक्ष जी कार्यकाल समाप्त हो गया था, फिर उस पर हम लोग द्वारा किए गए हैं। शिकायत होने पर इसकी जांच भी हुई है, जांचों उपरांत इसका जो भी निष्कर्ष रहा है वो अवगत कराया गया अध्यक्ष जी को। ये पूरे आपके जो वहाँ घुगली बोर्ड के जो सभासद गण हैं यहाँ पे कमिश्नर महोदय के यहाँ जो धरना दे रहे हैं, इस पे आपको क्या कहना है? जो भी कार्य हुए हैं इस कार्यकाल के जो कार्य हैं वो ये बोर्ड द्वारा, जो अगर बोर्ड के सब सदस्य हैं तो सबके द्वारा सूचित हैं और सबके द्वारा प्रस्तावित हैं, सबके संज्ञान में है कार्य, कोई कार्य ऐसे नहीं है जो बोर्ड द्वारा सूचित न हो, सब बोर्ड द्वारा सूचित। देखिए एक बात बता दूं आपसे कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, ठीक ना, ये कागज पे लिखा पढ़ी की बात है, पब्लिक प्रशासन की बात मैं कर रहा हूँ। अगर वो आपके बोर्ड का है तो बोर्ड की गोपनीय फाइल है, वो प्रस्ताव होगा, मिनट्स की कॉपी होगी, वो दैट्स सेपरेट इशू। एक यहाँ पे सतह पे आ गई है बात को, जिसमें सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप लग रहा है, और आपके पूर्व चेयरमैन जो रहे हैं और वर्तमान में जो है चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी है, उनका ये कहना है, सीधे सीधे आरोप आपके ऊपर लग रहा है और वो भी चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच करा लिया जाए, इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है? नहीं, आरोप तो निराधार है, क्योंकि जो भी माननीय अध्यक्ष रहे हैं वो हमारे और अध्यक्ष द्वारा कार्य कराए गए हैं, भुगतान भी कराए गए हैं, बोर्ड की स्वीकृति लिख कराए गए हैं, और बाकी 5 साल से रही बात के सच है कि हम 2 जनवरी 2016 से हैं, और लेकिन चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग तो हमारे हाथ में है नहीं, 2 जनवरी 2016 से ही हम। एक बात बताइए कि इसमें जो आरोप लगा है, जो जांच करने की बात आ रही है, आप तथ्य रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आप भी क्यों नहीं इस जांच के ऊपर सहमत बता रहे हैं कि ठीक है इसको जांच करा लिया जाए, इस पे आप जांच हो चुकी है, इसे जो भी शिकायतें हुई थी उसकी डीएम साहब एक कमेटी बनाए थे, डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी ने जांच किया है और कल से रिपोर्ट अपना दी है। नहीं, इनका बाकी जांच हो जाए, हमें दिक्कत थोड़ी है, जांच हो जाए। इसमें अभी हमने जो बात किया पूछा है, उन्होंने बताया है, जिसको आपने भी सुना है, कि जांच हुई थी, आपने अधिकारियों से मिली भगत करके अपने पक्ष में रिपोर्ट लगा लिया है, इसमें आपको क्या करना? नहीं, जो भी जांच में से सदस्य अध्यक्ष जी वो सब आ करके प्रस्तावित देख करके भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट लगाए हैं, हमारे कहने से या हमारे इससे नहीं होता है, उनके लोग जो संज्ञान में अपना इच्छा से रिपोर्ट दिए हैं। अभी हमने उनसे एक सवाल पूछा था, आपके जो वर्तमान चेयरमैन है, वर्तमान में चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, उनसे मैंने पूछा है कि काम जो हुआ है वो कैसा है, तो उन्होंने भी डाउट किया है कि काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस पे आपको क्या कहना है? काम क्वालिटी ठीक है, उसकी जांच हुई थी, पीएससी जांच हुई थी, उन्होंने सही बताया, संतोषजनक बताया है, फिर इसके डीएम साहब से अनुमति ली गई है, तब भुगतान किए गए हैं, बोर्ड से ही अनुमति दिया गया है, भुगतान से पूर्व, भुगतान से पहले प्रस्ताव लिए गए हैं, भुगतान से पूर्व उसका लिया गया है प्रस्ताव, मैंने सक्षम अवसर से सहमत के बाद निर्णय होने के बाद ही भुगतान किया गया है। आपको अगर जांच हो हाई लेवल की तो इस पे आपको क्या कहना है? जांच हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए, जांच हो जाएगी तो कोई समस्या नहीं है। मतलब आप इससे राजी हैं कि जांच हो उसमें कोई समस्या नहीं है, आप अपने जांच में कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए, जांच हो जाएगी ठीक। ठीक है, तो क्या आप अपने तरफ से जिलाधिकारी महोदय को या कमिश्नर महोदय से अवगत कराएंगे कि आरोप लग रहा है इसकी जांच हो जाए? आख्या हमसे मांगी गई है, आख्या उपलब्ध करा दे रहे हैं, और जो भी निर्देश होंगे उसके अधिकारी को काम पालन करेंगे। नहीं, वो अधिकारी की क्या आपने इसमें अपने अभिमत देंगे कि साहब इस पे जांच भी करा दिया जाए? जो भी निर्देश होंगे उच्च अधिकारी के, उनके अनुपालन हम सुनिश्चित करेंगे।
नहीं, मैं एक सवाल स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे आखिर आपसे मांगी जाएगी रिपोर्ट मांगी जाएगी, आप रिपोर्ट देंगे, फाइल पत्रावली पे जो होगी वही चीज होगी क्योंकि उसी की जांच होगी, आप वही आख्या देंगे, लेकिन क्या इस पे जांच हो तो इस पे कोई आपको आपत्ति नहीं है? क्या आप लिख देंगे कि लिखेंगे कि देखिए जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो जांच कराने के संबंध में है? ठीक है, तो ये जो जांच कराने के संदर्भ में ये है, क्या इसमें आप अपने अपनी सहमति देंगे कि साहब ये जांच जो है करा लिया जाए? ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं।